गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इच के ऑफिशियल एंड येस आई एम देर विद यू विद द लास्ट पार्ट ऑफ यूर यूनिट नंबर थ्री ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ठीक है अब भी अभी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल गई होगी जिसमें मैंने रोलिंग कर्व्ज में से जो इन वॉल्यूट का पार्ट है वो कवर कर लिया है विद एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री ठीक है थ्री एग्जाम्पल्स मैंने अलग अलग टाइप्स के लिए हैं ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ नाउ रोलिंग कर्व्स में से ही नेक्स्ट पार्ट है साइक्लॉइड ठीक है इस यूनिट के अंदर आपका सॉरी uh, इस पार्ट के अंदर जो आपका यूनिट है वो थ्री यूनिट नंबर थ्री कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो टेंशन मत लेना ग्राफिक्स का आप लोग एक दिन में भी कर सकते हो प्रैक्टिस अगर आपने थोड़ी बहुत भी करी होगी तो एक दिन में आपका रिविजन सेट पूरा हो जाता है लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज एक दिन का टाइम है, तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सब कुछ करना लेक्चर देखना प्रैक्टिस करना अगर टाइम हो तो अदरवाइज पूरा जो मतलब स्टेप्स है ना प्रोसेस है वो समझ लेना ठीक है तो जैसे मैंने बोला कि साइक्लॉइड भी क्या है ये साइक्लॉइड आपको इसके अंदर देखना है जो कि अगेन रोलिंग कर्व्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिया है जैसे कि आपको पूछे जाते हैं ठीक है ना तो चलिए ये वाला जो है uh, साइक्लॉइड तो मतलब बहुत सिंपली आप कर सकते हो आप मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बॉल लेके एक्सप्लेन किया था तो आई होप कि इन्वल्यूट का जो टॉपिक है वहां से क्लियर आउट हो जाता है एंड यहां पर साइक्लॉइड भी देख लेंगे देख लेना इस वीडियो के बाद आपका यूनिट थ्री पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा अलोंग विद ऑल द प्रैक्टिसिंग एंड क्वेश्चन मतलब जितने भी मैंने दिए हैं बस उतने कर लोगे तो आपका यूनिट थ्री अच्छे से जो है ना आप कंप्लीट मार्क्स उसमें गेन कर सकते हो तो प्लेलिस्ट बना दी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो लोग भी वहां ज्वाइन है उन्हें मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो वहां पे सेंड करती रहती हूँ एंड ग्राफिक्स के भी जो जितने क्वेश्चन होंगे उतने ठीक है अदरवाइज थ्री और फोर आई डोंट थिंक से कि ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो पाएंगे हर टाइप्स के लेकिन मैं कल यूनिट सिक्स कवर करने का ट्राई करूंगी यूनिट कवर हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट टाइम पेंडिंग हुआ तो वी विल सॉल्व आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन अदरवाइज यू कैन मतलब प्रैक्टिस अलॉन्ग मतलब उनके अगर आपके पास पी वगैरह हो तो मैं जो है वो सेंड कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर ठीक है तो प्लीज लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना क्लियर चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर एंड आई होप सो कि इसके पहले के सारे के सारे पार्ट्स आपने देख लिए हैं एंड आपका जो 80 परसेंट सिलेबस ऑफ यूनिट थ्री कंप्लीट हो चुका है नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट पार्ट एंड गोइंग टू वाइंड अप दिस यूनिट थ्री ठीक है चलो स्टार्ट कर लेते हैं साइक्लॉइड तो साइक्लॉइड में जो वर्ड आ रहा है दैट इज योर साइकिल ठीक है साइकिल ई भी डाल दो ना इधर तो साइकिल बन जाएगा इसका मतलब क्या है अगर आप साइकिल चलाते इमेजिन तो क्या होगा उससे तो आ, मतलब जो व्हील है ठीक है ना व्हील उससे आपको मतलब उसका डायरेक्शन एंड लाइक ऐसा आपको करना होगा लाइक सपोज ये है आपका बॉल आ, या फिर व्हील मैं बोलूंगी ठीक है अब वो बॉल भी हो सकती है व्हील भी हो सकता है बाइसिकल का लेकिन मैं उस टर्म्स में आपको बता रही हूँ तो अगर आपकी साइकिल है तेन दिस इज़ योर व्हील एंड दिस इज़ योर रोड ठीक है तो यहाँ पर जो पॉइंट है करेक्ट ना यहाँ पर जो पॉइंट है यही पॉइंट अगेन कितनी डिस्टेंस पे जाके सेम इसी पॉइंट पर आएगा वी हैव टू शो दैट एंड हाउ इट विल गो लाइक दिस ओके तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा हर बार ये वाला क्वेश्चन ऐसा है लेकिन आपको कहीं से भी बोला जा सकता है कि सपोज ये वाला पॉइंट इधर ही आना चाहिए सो लाइक दैट ठीक है तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है साइक्लोइड आई होप कि थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो माइंड में क्लियर हो रहा है कि हमें एग्जैक्टली exactly करना क्या है तो देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर वन एंड अगेन आई विल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है अ बॉय राइड इट्स बाइसिकल ऑन द स्मूद रोड ठीक है ना ऑन द स्मूद रोड द डायमीटर ऑफ व्हील इज सिक्सटी एम एम क्लियर डायमीटर ऑफ व्हील इज सिक्सटी एम एम ड्रॉ द करव ऑप्टेंड बाय अ पॉइंट पी ऑन द व्हील ऑफ बाइसिकल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द रोड इनिशियली फॉर द वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ठीक है तो अभी सबसे पहली बात हमें जो ध्यान में रखनी है वी हैव टू राइट द समरी ठीक है इसमें आपको मार्क्स होते हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ना मत जो दिया है पहले गिवन लिख लो तो यहाँ पर मुझे क्या दिया है डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है तो डायमीटर ऑफ वाइसिकल व्हील कितना है 60 एम mm एम गिवन है ठीक है उसके बाद हमें क्या बोला है देखो फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ठीक है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा आप ध्यान दे समझोगे तो मतलब कि सरकम करेक्ट ना फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन हम क्या करेंगे डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू वट जितना आपके व्हील का सरकम होगा है ना तो यहां पर आप लिख सकते हो सरकम ऑफ सर्कल ठीक है सरकम फरेंस ऑफ सर्कल एंड सरकम फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है लास्ट वीडियो में भी देख लिया है पाई डी ठीक है पाई एंड डी क्या है आपका सिक्सटी तो इसको आप कैलकुलेट करो कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा वन एट्टी एट एम एम ठीक है वन एट्टी एट एम एम मिल जाएगा अब हमें क्या बोला है कि देर इज ड्रॉ द कर्व ऑप्टेंड बाय अ पॉइंट पी ठीक है ऑन द व्हील विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द रोड अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द रोड ठीक है इसका मतलब क्या है अगर ये रोड है तो आपका जो पॉइंट है वो इन द कॉन्टैक्ट ऑफ रोड है क्लियर ना तो चलो इसको जल्दी से ग्राफिक्स लगाएंगे अपनी एंड इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है डायमीटर ठीक है डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले जो है आपको ले लेना है अपना कंपास एंड देन यू हैव टू मेजर अब डायमीटर है तो गलती से भी इसको रेडियस मत लेना इसका हाफ लेना होगा आपको रेडियस क्लियर तो इसका हाफ रेडियस ले लिया हमने मैंने थर्टी मैम ले लिया है एंड आई विल मेक थोड़ा सा ऊपर में बना लेती हूं क्लियर यहां पे एक मिनट कैमरा ओके ऑल सेट तो यहां पर क्या है ये मैं बना लूंगी यहां पर पहला अपना व्हील क्लियर लाइक दिस ठीक है तो यहाँ पर मैंने व्हील बना लिया अब जो है मुझे सबसे पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अब अगर आप कहीं भी सर्कल बना रहे हो ग्राफिक्स के अंदर यू हैव टू डिवाइड इट इन ट्वेल्व पार्ट्स और अगर आपको जल्दी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देन गो फॉर एट पार्ट्स ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो मैंने सर्कम ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया है दैट इज़ योर वन एट्टी उसको मैं यहाँ पर पहले प्लॉट कर लूंगी उसके लिए मुझे करना पड़ेगा पहले अपने सर्कल को वर्टिकली पार्ट्स uh, में डिवाइड कर लेना होगा लाइक दिस ठीक है तो यहां पे से मैंने इसको ऐसे सेंटर से ले लिया नाउ व्हाट आई विल मेक आई विल मेक द सर्कम्फरेंस यानी कि लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओके तो दैट विल बी वन एटी एट तो यहां से मिल जाएगा मुझे देखो सिंपली ये हो जाएगा वन एट ठीक है 188 आपको मिल गया अब सिंपली आपको क्या करना है यही व्हील आपका यहाँ तक चल के जाएगा ये व्हील आपका यहाँ तक जाएगा इसका मतलब क्या है ये सेम व्हील आपको यहाँ पर भी बनाना होगा क्लियर ना तो अगर आपने साइक्लॉइड के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना होता है सो वॉट आई विल डू हियर आई विल मेक पार्ट्स ऑफ फर्स्ट दिस सर्कल ठीक है तो पहले तो इसके पार्ट्स कर लेते हैं एंड यहाँ पर से क्या होगा देखो सिंपली इसके जैसे पार्ट्स आप बनाते जाओगे तो आगे वाला सर्कल आपको मिलता जाएगा कैसे देख लेते हैं सबसे पहले इसको मैं क्या कर लूँगी इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके इधर से जो है ना एक लाइन यहाँ तक ले लूँगी अंदाज से ठीक है ना समझ में आ गया मैंने कैसे किया अब आपको क्या करना है ये जो है ना आपको यहाँ से लेके आना है ये मैं ट्रिक बता रही हूँ ये आप कैसे भी कर सकते हो बस ला लास्ट स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पर जो है सर्कल बनाना होगा क्लियर तो यहाँ से मैंने ये वर्टिकल लाइन बना ली एंड द लास्ट थिंग यहाँ पर जो ये सेंटर है वो ही सेंटर में यहाँ पर ले लूँगी क्लियर तो मैंने इसके भी लिए भी यहाँ पर लाइन जो है वो यहाँ पर बना ली ठीक है तो यहाँ पर अब मुझे जो है सेंटर मिल चुका है एंड वॉट आई विल डू आई विल मेक दैट पर्टिकुलर रील व्हील व्हील ओके रील बोल रही हूँ मैं व्हील तो यहाँ पर से ऐसे कर लेना ठीक है तो देखो एकदम एग्जैक्ट बन गया अदरवाइज ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप ऐसे जो है ना एकदम एक्यूरेट बना सकते हो ठीक है अब क्या करोगे आप अब आपको करना होगा ऑफकोर्स करेक्ट ट्वेल्व पार्ट्स ठीक है तो यहाँ पर तो ये तो है हमारे पास सिंपली इसको जो है ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फास्टली ठीक है आप प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्लोली जा रही हूँ आप अगर मेरे साथ भी करोगे एंड मेरी स्पीड में करोगे ना तो भी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होने के चांसेस हैं एंड आपका ग्राफिक्स जो है ना आप ग्राफिक्स में अच्छे मार्क्स से पास होने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ में जो है मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस इन्वाल्वड है ये जो है सेम आपको यहाँ पर भी पार्ट्स करने होंगे क्लियर तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे करना है ठीक है लाइक दिस बेसिकली ट्वेल्व पार्ट्स में हम डिवाइड करके क्या कर देंगे इसके जो है ना डिस्टेंस हम मार्क कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट पे हमारा व्हील कहाँ पर है क्लियर लाइक दिस तो यहाँ पर कर लिया है हमने आर्क्स uh, डाल लिया अब हम क्या कर लेंगे इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा जो सर्कल है वो डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व पार्ट्स में क्लियरली तो ये वाला तो व्हील हो गया हमारा परफेक्टली डिवाइड नाउ डू दिस वन मैं इसीलिए वीडियो में ज्यादा एडिटिंग नहीं कर रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड भी मैं कर सकती थी ये पार्ट्स लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ तो फॉर देम मैं जो है वीडियो को नॉर्मल ही रख रही हूँ जितने टाइम में मैं सॉल्व कर रही हूँ उतने ही टाइम में तो नेम दिस सेंटर एज़ ओ एंड एज नेम दिस सेंटर एज ओ डैश ठीक है अब यहाँ पर हमें बोला है क्या है पॉइंट पी है ना हमें बोला है ना पॉइंट पी ऑन द व्हील ऑफ बाइसिकल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द रोड ठीक है तो यह है आपका रोड एंड यह है पी तो यहाँ पर हो जाएगा पी डैश ठीक है ना अब मैंने कैसे बताया है हमेशा आपको जो नंबरिंग करनी है वो ऐसे करनी है है ना वन टू थ्री Four, five, six, seven, eight, nine, ten. इलेवन एंड दिस विल बी ट्वेल्व अवॉइड एक पॉइंट को दो दो नेम देना ठीक है ना बस अब आपको क्या करना है अब आपको करना है अब जैसे आपको पता है ये क्या है ये है आपकी जैसे पिछली बार इनवॉल्यूट में क्या था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी ये क्या है आपकी लेंथ ऑफ योर रोड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो समझना है समझो लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है यू हैव टू डिवाइड इट इन हाउ मच पार्ट्स यू हैव डिवाइड द सर्कल क्लियर तो यहाँ पर आपने इसको ट्वेल्व पार्ट्स में किया हुआ है सर्कल को नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस लाइन ऑल्सो इन ट्वेल्व पार्ट्स ठीक है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व एंड यू ऑल नो कि इसको रोलर से कैसे आपको यूज करना है फॉर डिवाइडिंग इट ठीक है ना तो आप जब यूनिट थ्री कर लोगे ना तो सबसे ज़्यादा ईजी जो आपको यूनिट लगने वाला है वो यही लगने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एंड आपको यही आएंगे तो आपको आगे की चीज़ें आने वाली हैं एंड यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आएंगे भी तो ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है तो आप यही प्रैक्टिस करके जाओगे तो डरेक्टली यही आएगा लेकिन औरतों और, और आयसों में ऐसा नहीं होता है उसमें आपको जो है आप मैं तो बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना आपको टेलीग्राम पर दूँगी बस उतना देख के जाओ एंड वो भी मैं पी वाई ही देने वाली हूं तो आपके लिए ईजी जाएगा ठीक है अब जैसे हमने यहां पे इसको ऐसे नेम किया है यहां पर हम इसको ऐसे नेम करेंगे तो ये इट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड दिस वन इज इलेवन क्लियर अब आ जाता है मेन टर्म ठीक है करना क्या है यहाँ पे आपको अब आपको लेना है यहां से देखो डिस्टेंस यहाँ पर जो आप देख रहे हो वन टू थ्री फोर हमने जो ये इनको लेबलिंग दी है नेमिंग दी है आपको अपना रोलर सेट कर देना है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ठीक है अब आपको क्या करना है ओके सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डायरेक्शन अब आपको क्या करना है यहाँ पर से इसको रोल करते जाना है एंड जहाँ पर भी आपका पॉइंट है ना उधर से आपको परपेंडिकुलर डालना है टिल योर सेंटर ठीक है ना सिर्फ टिल सेंटर समझ में आ गया ऐसे आपको करना है ठीक है देखो इसको सेम मैंने हर प्रोसीजर में आपको बताया सेम सेम ऐसे ही करते जाओ क्लियर लाइक दिस लाइक दिस टिल एंड आपको ऐसे ही करना है ठीक है तो ये हो गया अब अब क्या करना है अब आपको नेमिंग देनी है इन ऊपर वाले पॉइंट्स पे तो हमेशा याद रखो जैसे नेमिंग आप अब भी प्रैक्टिसिंग में दोगे वैसे ही नेमिंग आपको देना है कहाँ पर जब आप आ, पेपर में करोगे ठीक है ना तो हमेशा अभी यहाँ पर भी आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ठीक है ये डैश है पहले से इसलिए मैं उसको नेम नहीं दूंगी अब आ जाता है मेन पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको ले लेना है कंपास एंड वन से लेके ए तक का डिस्टेंस करना है मेजर ठीक है वन से लेके ए तक का डिस्टेंस मेजर करना है देखो बहुत फोकस से सुनना वन से लेके ए तक का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया अब आपको इसको रखना है देखो वन मोर थिंग मैं बताना बोल गई आपको क्या करना होगा ये जैसे कि यहाँ पर आपने पैरल लाइन्स लगाई हैं देखो ऐसे वैसे ही सेम ये जो वो पॉइंट्स हैं ना इनको भी आपको मैच करना होगा अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर लेना एंड देन इन दोनों को ज्वाइन कर लेना एंड वैसे ही आपको ऊपर भी करना है ठीक है तो आ, ये करना मत भूलना क्लियर तो करते जाओगे ना आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो ठीक है तो ऐसे मैं बता रही हूँ तो आपको थोड़ा मतलब एग्जाम के टाइम भी क्लिक होना चाहिए था कि हाँ मैं क्या चीज़ भूली है ना मैंने कहाँ पर आपको फोकस करने कहा ठीक है एंड यही चीज़ आपको ज़्यादा रिमाइंड रहेगी इंस्टेट वाट आइम्स टीचिंग यू ठीक है तो देखो यहाँ पर देखो वन से लेके ए तक का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया नाउ यू हैव टू कीप योर पॉइंटर ऑन ए ए एंड देन वन के ऊपर आपको क्या करना है ऐसे आर्क मारना है समझ में आ गया क्योंकि आपका पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब ये पॉइंट के ऊपर है है इसीलिए मैंने यहां से लिया एंड वन के ऊपर मैंने आर्क मारी है अब देखो यहां से आपको वैसे तो बी का डिस्टेंस लेना होता है लेकिन हमें पता है कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या करूंगी अब मैं बी पर रखूंगी एंड देन टू पर आर्क मार दूंगी सी पर रखूंगी देन थ्री पर आर्क मारूंगी डी पर देन देर पे आर्क E पर देन फाइव वाले पे आर्क एंड F पर आपकी आर्क जो है वो एकदम सेंटर पे आएगी ठीक है देन यहाँ पर देखोगे तो अब आपको नीचे उतरना है ना आपका जो सर्कल है वो ऐसे जाके ऐसे आएगा ठीक है व्हील समझ में आ गया तो अब F वाला हो गया अब G वाले के लिए आपको अगेन एक स्टेप नीचे आना है H वाले के लिए आपको अगेन एक स्टेप नीचे आना है यानी कि यहाँ से हमने स्टेप्स बढ़ाए नाउ वी हैव टू गो डाउन ठीक है एकदम ऐसे सिंपली बहुत ज़्यादा ईजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है देखो एंड ये एट लास्ट आपका लास्ट पॉइंट समझ में आ गया कैसे किया अब आपको क्या करना है अब आपको कर देना है इनको प्लॉट नेम्स ठीक है तो ये पहला पॉइंट है तो पी वन ठीक है ये दूसरा है तो P2 टू दिस इज पी थ्री पी फोर नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव मी अपने सब करेक्ट किया है थोड़ी सी भी लेबलिंग में मिस्टेक हो गई तो एग्जामिनर को मौका मिल जाता है आपके मार्क्स जो है वो काटने का ठीक है तो बस अच्छे से करो अब आपको क्या करना है येस एट लास्ट आपको इनको ज्वाइन कर देना है ठीक है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस ठीक है ऐसे अब आपको परफेक्ट डायग्राम जो है वो नज़र आता होगा ऐसे ही आपको जो है बनाना है पी से पी डैश तक जाना है ठीक है ना सो आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा यहाँ पर आप डायमेंशनिंग कर सकते हो ये वाले uh, सर्कल को एंड क्योंकि दोनों सर्कल सेम है तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो मैंने आपको बताया है कि सर्कल की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं ठीक है ना तो बस अब यहाँ पर सरकम गिवन नहीं था तो चाहो तो आप दे सकते हो अदरवाइज नहीं भी दिया तो चलेगा ठीक है ना मेरा कैमरा हिल गया सॉरी चलो हो गया इतना साइक्लॉइड वाला पोर्शन बस इतना ही है अब मैं आपको और जो है ना जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी यानी कि जो और एप्लीकेशन बेस्ड है यानी कि अगर आ, आपका पॉइंट पी इधर नहीं है सपोज़ आपका पॉइंट पी इधर है यानी कि आपका जो कर्व स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन ऐसे जाएगा समझ में आ गया अगर सपोज पॉइंट आपका पी इधर है तो ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे आएगा तो ये चीज़ याद रखना इसके ऊपर का एक क्वेश्चन मैं डाल दूंगी टेलीग्राम के आपके ग्रुप के ऊपर ठीक है है तो प्लीज कर लेना And cycloid जो है वो आपका यहां पर खत्म होता है ठीक है चलो अब दूसरा देख लेते हैं ठीक है That is our spirals, spirals. तो easy है तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो तो इजी जाएगा आपको स्पाइरल्स भी तो सबसे पहले स्पाइरल्स होता क्या है ठीक है व्हाट इट इज डिफाइंड एज सो so, uh, एक कर्व है जो कि हमें मिलता है बाय अ लाइन ठीक है एक लाइन से हमें कर्व मिलता है और वो लाइन क्या होगी रिवॉल्विंग अबाउट इट सेंटर होगी समझ में आ गया तो वाइल इट रिवॉल्व अ पॉइंट ठीक है पी इट मूव फ्रॉम एंड पॉइंट टू द सेंटर एंड वाइस वर्सा लाइक दिस तो नंबर ऑफ कन्वल्यूशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके स्पाइरल्स के अंदर ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो अ बार इज रिवॉल्विंग अबाउट अ पोल ठीक है एक पोल है ठीक है ना एक पोल है एंड उसके अराउंड एक बार जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इमेजिन करो विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द डायमीटर ऑफ द पोल इज 30 एमएम mm, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर मिल जाता है सो वी विल राइट हियर डायमीटर ऑफ पोल ठीक है पोल का डायमीटर बोला है तो पोल थर्टी एम एम हो जाएगा ठीक है ना एंड द लेंथ ऑफ बार लेंथ ऑफ बार कितनी है सिक्सटी फाइव एम एम ठीक है लेंथ ऑफ बार इज सिक्सटी फाइव एम एम व बार रोटेट्स अराउंड द पोल पोल पी विच इज एट द आउटर साइड मूव एट द सर्कम्फरेंस ऑफ पोल इन वन कॉन्वल्यूशन दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपको स्पाइरल्स के अंदर यही देखना है कि कितने कॉन्वल्यूशंस है वन है तो ईजी है एंड मतलब कुछ भी है तो ईजी है ठीक है बिल्कुल भी इसको टफ मत समझना ज्यादातर वन आएगा या तो हाफ आएगा ठीक है ट्रेस द पार्थ ऑफ पी ऑल्सो नेम द करव तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ convolution वाला कॉन्सेप्ट ठीक है तो अगर एक convolution है ठीक है वन convolution है आपके स्पाइरल का तो आपका जो सर्कल uh, है समझ में आ गया ना तो आपका जो सर्कल है वहां पे देखो सपोज मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको पोल बोला गया है पोल ठीक है तो पोल आपने इमेजिन कर लिया ठीक है पोल उसके बाद आपके यहाँ पर यहाँ से जाने वाला है क्या लेंथ लेंथ ऑफ वॉट योर बार ठीक है तो ये है आपका बार समझ में आ गया अब इस बार को अब ये ऐसा समझो कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा आपका ये समझ लो कि कोई पोल है पोल क्या है अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं समझ लो कि ये 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 जो है ना ये पेंसिल ये आपका एक पोल है एंड देन मेरे पास जो है एक आप समझ लो कि एक धागा टाइप है अब मुझे उसको क्या करना है बार है ठीक है बार है उसको मुझे रोटेट करवाना है इसके अराउंड तो यहाँ से जो इसका रेडियस है मुझे इसका कोई मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है मुझे इसके बाहर से लेंथ लेनी पड़ेगी है ना इसके अंदर सेंटर से थोड़ी ना लूंगी मैं लेंथ मैं इसके बाहर से लेंथ लूंगी हमारे बार की समझ में आ गया तो वन कॉन्वल्यूशन अगर है आपको तो आपको इस लाइन के कितने पार्ट्स करने हैं इस लाइन के आपको पार्ट्स करने हैं ट्वेल्व अगर वन convolution बोला है तो ठीक है ध्यान में रख लो ठीक है ध्यान में रख लो ये हो गया फर्स्ट केस सेकंड केस है अगर आपको बोला है हाफ कॉन्वल्यूशन ठीक है हाफ कॉन्वल्यूशन बोला है तो आपको कितने पार्ट्स करने होंगे ऑफ कोर्स करेक्ट सिक्स पार्ट्स ठीक है ना सिक्स पार्ट्स एंड रेयरली क्वेश्चन अगर आपको आ गया 1.5 पॉइंट कॉन्वोल्यूशन का तो आपको जो है कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे उस बार के एटीन पार्ट्स ठीक है एटीन पार्ट्स करने पड़ेंगे समझ में आ गया ना तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है ठीक है बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है तो अब चलो आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमें जैसे कि डायमीटर ऑफ पोल गिवन है तो सबसे पहले हम उसको प्लॉट कर लेंगे डायमीटर गिवन है तो हमें रेडियस में लेना होगा यानी कि वन पॉइंट फाइव ही लेना होगा ठीक है तो देखो इसके अंदर कोई काम नहीं है इसलिए इसको छोटा सा दिया हुआ है समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर पोल बना देती हूँ दैट इज़ फ्रॉम वन पॉइंट फाइव mm, एम एम ठीक है ठीक है ये बन गया पोल हमारा अब हमें क्या बोला है लेंथ ऑफ बार तो लेंथ ऑफ बार आप कभी भी यहां से मत लेना द वेरी सिली मिस्टेक ईच स्टूडेंट डू तो यहां पर आपको ये नहीं करना है आपको क्या करना है आपको यहां से लेना है लेकिन आपको यहां से देखो यहां से मैं इसको मेजर तो कर रही हूं कि मेरा पॉइंट यहां पर से आएगा ठीक है यहाँ से आपको लेनी है लेंथ ऑफ बार जो कि है 65 फाइव एम ठीक है 65 फाइव mm. एम समझ में आ गया कैसे किया बहुत सिंपली अंडरस्टैंडेबल मैंने इस फॉर्मेट में आपको बताया है अब आपको क्या कर लेना है अपना कंपास ले लेना है इस पॉइंट पे रखना है एंड यहाँ से लेके इस इसका पूरा सर्कल बना लेना है ठीक है ना इसका पूरा का पूरा आप सर्कल बना लोगे ठीक है समझ में आ गया देखो ऐसा सर्कल आपको बना लेना है ठीक है यह बीच में पोल यह है आपकी रॉड समझ में आ गया अब मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि आप जैसे ही सर्कल को देखोगे आपको क्या कर लेना है उसको डिवाइड कर लेना है कितने पार्ट्स में ट्वेल्व पार्ट्स में ठीक है ट्वेल्व पार्ट्स में तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ सबसे पहले इसी को इलोंगेट कर लेती हूँ है ना ये तो हो गई लेंथ ऑफ बार तो इससे मुझे अब इसका काम मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ इसको मैं यहाँ पर नेम कर सकती हूँ पी डैश और यहाँ पर नेम कर सकती हूँ पी जो कि है मेरी लेंथ ऑफ बार ठीक है चाहे आगे कन्फ्यूज़न ना हो एंड देन इसको मैं इलॉन्गेट कर दूँगी लाइक दिस ठीक है ना एंड देन अब वर्टिकल तो वर्टिकल में मैं ऐसे ले लूँगी ठीक है लाइक like दिस अब आपको पता है अब आपको ट्वेल्व पार्ट्स करने हैं तो क्या करना होगा ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेजर करना होगा एंड देन यू हैव टू डिवाइड योर सर्कल ठीक है ना हर पॉइंट पे आपको पॉइंटर uh, रखना है आर्क मारनी है पॉइंटर रखना है आर्क मारनी है एंड सॉरी एंड योर सर्कल विल गेट इन डिवाइडेड इंटू ट्वेल्व पार्ट्स ठीक है ना ऐसे ठीक है और क्या बचा एक पार्ट ये हो गया यहाँ वाला पार्ट बचा है लाइक दिस एंड लाइक दिस तो सारे आर्क्स मिल गए अब आपको क्या कर लेना है इनको ज्वाइन कर लेना है ठीक है रिमेंबर कि सेंटर से पास हो ठीक है सेंटर से पास हो लाइक दिस देन ये वाला जल्दी जल्दी करेंगे हमें हेलिक्स वाला भी पार्ट इसी वीडियो के अंदर कवर करना है ज़्यादा ज़्यादा मुझे भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि रिकॉर्ड करना इज़ वेरी सिंपल फॉर मी लेकिन एडिटिंग देन अपलोडिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो चलो कोई बात नहीं अब यहाँ पर हमने इसको कर लिया डिवाइड तो हम इसको नेम कर सकते हैं अब तो मैं इसको करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन ठीक है समझ में आ गया अब देखो अब ये है हमारी लेंथ ऑफ बार ठीक है ना यहाँ से यहाँ तक है लेंथ ऑफ बार तो आपने इसको जैसे मैंने आपको बताया कि वन कॉन्वल्यूशन है तो देखो हमेशा यहाँ से बिल्कुल भी मत लेना लेंथ ऑफ बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आपको इसको ऐसे डिवाइड करना है कितने भी आप मेजर ले सकते हो एक्यूट एंगल ठीक है क्योंकि मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है ट्वेल्व पार्ट्स के अंदर क्योंकि हमारा कॉन्वोल्यूशन जो है वो वन कॉन्वल्यूशन है ठीक है ना तो यहाँ पर देख लो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी अब ट्वेल्व पार्ट्स के अंदर कितना भी आप मेजर ले सकते हो अब ये तो बहुत सिंपल काम हो गया होगा आपके लिए डिवाइडिंग है ना थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थोड़ा डिस्टेंस कम लेना चाहिए था मुझे टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा इलॉन्गेट कर देती हूँ मैं अपने लाइन को थोड़ा सा मुझे अब स्पेस रखना था ताकि आपको भी समझ में आए अब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ से लेके कर यहाँ तक रोल करते जाना है एंड योर लाइन विल बी डिवाइडेड ठीक है ऐसे एक हाफ कॉन्वल्यूशन का सम है वो आ, आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी बहुत ईजी एज, मतलब ईजी है वो सम आपको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करना है ट्राई ज़रूर करना एंड आपको जो शेप मिलने वाला है वो बहुत अमेजिंग मिलने वाला है हाफ़ कॉन्वल्यूशन का जो शेप है वो हार्ट शेप आता है ठीक है हार्ट शेप आता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप उसको सॉल्व करते हो ना प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हाफ कॉन्वल्यूशन को आपको सिक्स पार्ट्स में करके देखना है तो आप इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो एज हाफ कॉन्वल्यूशन एंड ट्राई कर सकते हो जब तक मैं आपको वो अपलोड कर रही एंड देन यू कैन सी ओवर ठीक है है चलो अब यहां पर मैंने जो है, इसको डिवाइड कर लिया है तो मैं यहां पर इनको नेमिंग भी दे देती हूँ तो यहां से देखो हमेशा यहाँ से नेमिंग देना क्योंकि मैंने इसको यहाँ से दिया है देन इसको मुझे यहाँ से देना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड दिस इज योर वॉट इलेवन ठीक है ना अब आपको कर लेना है काम अपना जो स्पाइरल का काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है देखो आपको सेंटर पे रखना है सेंटर को नेम मत भूलना देना ठीक है यहाँ पर देखो जीरो पे यानी कि सेंटर पे ओ पे आपको रखना है पॉइंटर एंड देन आपको आना है यहाँ पे जो वन है ठीक है ये डिस्टेंस आपने ले ली ठीक है ये डिस्टेंस आपने ले ली अपने राउंडर के अंदर अब आपको क्या करना है ये वन इधर है दूसरा वन देखो किधर है दूसरा वन इधर है तो जहाँ पर वन है वन वन तक आपको इसको लेके जाना है ठीक है ऐसे समझ में आ गया कैसे किया मैंने अब देखो नहीं समझा आगे देखो ये जो है टू तक का मैंने डिस्टेंस लिया पॉइंटर मेरा सेंटर पर ही है अब ये टू इधर है दूसरा टू देखो तो किधर है इधर है तो मुझे टू से लेके कर टू तक जाना है समझ में आ गया कैसे कर रही हूँ अब अगर आपने यहाँ पर लेबलिंग गलत दे दी यहाँ से चले गए तो वही आपको कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसलिए लेबलिंग देना इम्पॉर्टेंट है अब ये थ्री है ये थ्री तक जाएगा ये फोर है देखो ये फोर है ये फोर तक जाएगा समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ अब ये फ़ाइव है ये फाइव आपका फाइव तक जाएगा ऐसे ऐसे करके आपका जो स्पाइरल है बहुत इजीली बन जाता है ठीक है बहुत ज़्यादा इजी है बहुत आपका टाइम बचेगा ऐसे सम्स के अंदर ठीक है तो हमेशा वैसे सम्स यूनिट थ्री में आ, मतलब सिलेक्ट करना जिसमें आपका टाइम जो है वो बचे क्योंकि आपको आईसो में औरतों में बहुत टाइम जाता है ज़्यादातर आईसो के अंदर आपका जो है टाइम वो जाएगा इसीलिए पहले से ही आप ट्राई करो कि आप जो है टाइम बचाओ ठीक है टाइम बचाओ चलो यहाँ पर ये एट वाला बना लिया मैंने नाइन का ये हो जाएगा ठीक है टें का ये हो जाएगा यहाँ तक ठीक है आपको ये बहुत ज़्यादा लाइट करना है मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं डार्क बना रही हूँ जितना भी कंस्ट्रक्शन है यू हैव टू मेक इट लाइट ओनली ठीक है तो ये यहाँ तक हो गया समझ में आया अब जो है कौन सा बच्चा है ये वाला बच्चा है जो कि है सेंटर का तो वो डिरेक्टली आपके सेंटर पे आ जाएगा समझ में आ गया अब आपको क्या करना है अब आपको कर देना है इसको जॉइन ठीक है ये सारे इनको ज्वाइंस कर देना है देखो लाइक दिस ऐसे ठीक है ना ऐसे चलना है ये आपका किधर ज्वाइन हो जाएगा ये वाला पी पॉइंट पे, ठीक है ना पी पॉइंट पे। अब देन यहाँ से ऐसे तो स्मूथ कर का काम यहाँ पर आ जाता है तो ईजीली आप मतलब थोड़े से काम रह के स्मूथ कर्व्स बनाओ ईजिली आपके सब प्लॉट होते जाएंगे लाइक दिस लाइक दिस ठीक है लाइक दिस यहाँ पर आके ये एंड हो जाएगा ठीक है ना अब आपको एक और नेमिंग बची है ये पॉइंट्स की जो कि आप दोगे P1 वन डैश ठीक है या फिर आप P1 P2 P3 भी दे सकते हो तो P1 वन चलो हमने कहीं दिया नहीं है तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 7 8 9 टेन इलेवेन एंड योर आंसर इज़ परफेक्ट समझ में आ गया कैसे किया मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे मुझे ऐसे आपको समझ में आए वैसे मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है तो यहाँ पर आपका स्पायरल्स भी जो है वो यहाँ पर टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है ठीक है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है टाइमिंग लेकिन अब हमें जो है हेलिप्स भी जो हेलिक्स जो है वो कम्प्लीट कर लेना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलिक्स भी तो क्वेश्चन यहाँ पर है आपके हेलिक्स का तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं हेलिक्स के अंदर ठीक है हेलिक्स क्या है सिर्फ एक सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट पी व्हेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम द सर्कम्फरेंस ऑफ बेस ऑफ एनी सॉलिड टू अ टॉप सर्फेस एट सिमिलर लोकेशन ठीक है वाइल सॉलिड इज रोटेटिंग और द पॉइंट इज मूविंग अराउंड द सॉलिड ठीक है तो अलग अलग रिवोल्यूशन के लिए ये चीज़ होती है अगर आपको नहीं समझ में आया डेफिनेशन लीव इट दे

ठीक है अपॉइंट पी विच इज ऑन द सर्कम फरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर मूव्स यूनिफॉर्मली टूवर्ड्स द टॉप सर्फेस ऑफ टॉप सर्फेस एट सिमिलर लोकेशन ऑफ सिलेंडर ठीक है ना सिलेंडर टॉप सरफेस बोला इसका मतलब अगर आप देखो ये है आपका सिलेंडर दिखाती हूँ यहां पर ये आपका सिलेंडर है सपोज तो टॉप तो से आप इसको देखोगे तो क्या दिखेगा एक सर्कल ही दिखने वाला है ना तो वो सर्कल आपको बनाना है ट्रेस द पाथ ऑफ पॉइंट पी मूविंग वेन ऑफ सर्कल अब देखो डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है सिक्सटी एम एम विद द हाइट ऑफ एक्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है वन ट्वेंटी एम एम ठीक है तो ये आप गिवन डेटा में लिख सकते हो अब आपको बोला है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सिलेंडर तो इसको हम वैसे बनाएंगे ठीक है तो जैसे कि डायमीटर हमें कितना गिवन है सिलेंडर का 60 mm तो सिंपली हम 30 mm के रेडियस का बना लेंगे क्या एक सिलेंडर मतलब उसके ऊपर का टॉप सरफेस आप बोल सकते हो ठीक है चलो मैंने ले लिया कंपास नाउ आपको लेना है 3 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 mm का डिस्टेंस इन योर कम अब देखो इसका आपको हेलिक्स सॉल्व कर रहे हो आप तो एकदम बॉटम में ले लेना क्या आपका सिलेंडर समझ में आ गया ना ताकि ऊपर स्पेस बचे क्योंकि नीचे सिर्फ आपको इसका ही काम है सिलेंडर का तो मैं इधर बना देती हूँ लाइक दिस ठीक है समझ में आ गया देखो अभी दिखेगा आपको पूरा अब ठीक है अब ये बना लिया अब आपको क्या करना है जैसे मैंने बोला है हर बार हर बार आपको जैसे ही सर्कल बने सबसे पहले उसको डिवाइड कर दो ठीक है ना अब ये सेंटेंसेस आपको मेरे एग्जाम्स के वक्त याद आते होंगे मैं जो भी बोलती हूँ कि ये याद रखो ये याद रखो बहुत याद आता है एग्जाम्स के वक्त आई नो ठीक है तो चलो ये डिवाइड कर लिया इसको अब मैं इसको जल्दी से डिवाइड कर लेती हूँ ट्वेल्व पार्ट्स के अंदर आप भी मेरे साथ सॉल्व करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑफ कोर्स उन्हें डेफिनेटली इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा जो लोग नहीं करेंगे उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं ठीक है हमेशा कोई भी चीज़ आप एडिशन भी करके नहीं जाओगे अगर करा नहीं होगा प्रैक्टिस तो हम सॉल्व नहीं कर सकते सो एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस एंड अब तो ये ग्राफिक्स है <laughs> चलो कोई बात नहीं चलो <laughs> ये मैंने कर लिया डिवाइड इसको ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको इसको ऊपर लेके जाना है मतलब ये जो है ना इसको सेंटर है आपके ये दो ठीक है मैं क्या करती हूँ मैं यहाँ से इसको नेमिंग दे देती हूँ वन टू थ्री आप कहीं से भी दे सकते हो कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जहाँ से दिए वहीं से लोगे टेन इलेवन एंड दिस इज दिस विल बी योर ट्वेल्व ये सेंटर आ जाएगा ओ अब आपको क्या करना है नाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एकदम लाइट एक एक मिनट एकदम लाइट आपको ड्रॉ करना है ऊपर ठीक है उसके बाद आपको रोलर से रोल करते हुए जाना है पैरेलल आपको थ्री पे ले लेना है ठीक है समझ में आ गया मैंने अभी तक क्या किया ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको इसको ऐसे कितने भी आप डिस्टेंस ले लो लेकिन उस डिस्टेंस पर आपको मार लेना है लाइन ठीक है ऐसे समझ में आ गया अब जो है हमें ये दिया था क्या दिया था हमें यहाँ पर देखो हाइट ऑफ एक्सिस जो कि दी थी 120 ट्वेंटी एम एम ठीक है हाइट ऑफ एक्सिस दी थी 120 ट्वेंटी mm, एम तो सिंपली आपको जो ये है ना ये ये डिस्टेंस 120 ट्वेंटी mm एम लेना होगा ठीक है तो ऊपर तो हमने रफली बना लिया अब हम जो है डार्क कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा क्या वन ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लो वन एंड मेक इट डार्क ठीक है ना मेक इट डार्क ठीक है थोड़ी सी नीचे हो गई उसको इग्नोर करो आप एकदम परफेक्ट डाइट बनाना एंड से भी ठीक है समझ लो द एंड कोई भी आपको सिखाने नहीं बैठेगा ये सारी चीजें ठीक है so, सब आपको सोल्यूशन से बता देंगे देखो इसको ऐसे करना है ऐसे करना है बना के आपको हैंड टू हैंड कोई नहीं बताएगा चलो यहाँ पर यह बना लिया इसका अब आपको क्या करना है एकदम सेम इसके परपेंडिकुलर थोड़े से थोड़े से डिस्टेंस पे आपको जितना मन है उतने डिस्टेंस पे एक और पैरेलल बना लो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है देखो आपका ये कितना है आपका आ, ये सर्कल है करेक्ट ना इस सर्कल का आपको लेना होगा सरकम ठीक है सरकम अब ये क्या है इसकी क्योंकि हमें लेंथ चाहिए ना अपने पूरे हेलिक्स के लिए हमें लेंथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा अब इसका डायमीटर है सिक्सटी तो मैं सर्कल कम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ पाई सिक्सटी है ना पाई डी वाले फॉर्मूले से तो मुझे अराउंड वन एट्टी एट पॉइंट एट मिलेगा ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी प्लॉट कहाँ पर करोगी यहाँ पर करूँगी नीचे ठीक है एकदम पैरेलल कंसिडर करना है वन एट्टी एट पॉइंट एट ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर से आप डार्क चाहो तो डार्क कर सकते हो 188.8 समझ में आ गया बस अब इसको ऊपर भी आपको इतनी डिस्टेंस ले लेना है ताकि पैरेलल दिखे इससे पहले मैं यहाँ पर 12 भी ले लेती हूँ क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपको आगे रखना है ठीक है क्योंकि ये 120 ट्वेंटी गिवन है ना तो मैं सीधा इसको ऊपर ले लूँगी यहाँ से एक मिनट यहाँ से पैरल जाऊँगी तो बेटर रहेगा फिफ्टीन से यहाँ पर थ्री है तस, अरे यार लाइक like दिस मतलब अभी थोड़ी दूरी है ना तो रोलर भी मेरा चलो यहाँ से आपको जाना है वन ट्वेंटी क्लियर वन ट्वेंटी अब आप यहाँ से ले सकते हो पैरेलल ठीक है तो ये जो है सिंपली आपका हो जाएगा सॉल्व जस्ट पैरेलल आपको अपने रोलर से काम करना है इसमें ठीक है तो ये हो गया ये सिंपली हमारा जो है ये कितना है 188.8 है एंड ये है आपका 120 ठीक है तो रेक्टेंगल कैसे बना आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है अब आपको एकदम रफ लाइंस बनानी है जो कि आप बनाओगे यहां से देखो देखो लेबलिंग इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे ये पैरल लाइन्स जो कि एकदम मैं यहाँ पर रफ बना रही हूँ ठीक है देखो यहाँ से आपको ले लेना है सर्कल से ठीक है एंड देन टॉप ऑफ द सर्फेस तक जाना है लाइक दिस लाइक दिस ठीक है ऐसे यहाँ पर इसको भी क्योंकि ये दोनों पॉइंट से जा रहा है हमें सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं अब जो है इम्पॉर्टेंट बात जो कि है आपके नेमिंग की लेबलिंग की तो क्या करोगे आप देखो जैसे मैंने नेमिंग दी है उस हिसाब से आप जाओगे समझ में आ गया जैसे मैंने नेमिंग दी है तो अब देखो यहाँ से मैं चलती हूँ थ्री से तो ये जो लाइन है ये सिर्फ थ्री है इधर सिर्फ थ्री का पॉइंट है देखो रुको सॉरी इधर इधर सिर्फ थ्री का पॉइंट है, है ना इसके बाद कोई पॉइंट है या मतलब जैसे यहाँ पर फोर और टू है यहाँ पर सिर्फ थ्री है ना तो सिर्फ थ्री है तो वो आपको ऊपर के यहां पर जो है इसी के लाइन के ऊपर पर आपको लिख देना है क्या थ्री समझ में आ गया थ्री अब नीचे देखो टू से फोर, टू से फोर कि आप कैसे लिखोगे उप, नीचे लिखोगे टू, लिखोगे ऊपर फोर समझ में आ गया इंपॉर्टेंट है ये ठीक है नीचे देखो उसके बाद क्या है वन और फाइव वन और फाइव चाहो तो ये भी ज्वाइन कर लो ठीक है इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझे कि ये दोनों पॉइंट्स लिया है हमने ये और ये सेवन और वन के लिए ये ठीक है तो देखो वन और फाइव वन नीचे फाइव ऊपर वन नीचे फाइव ऊपर ठीक है यहाँ पर देखो ट्वेल्व नीचे सिक्स ऊपर सिक्स ऊपर ठीक है यहाँ पर देखो इलेवन नीचे सेवन ऊपर इलेवन सेवन देन देख लो टेन एट टेन एट एंड देन यहाँ पर सिर्फ नाइन है तो यहाँ पर सिर्फ नाइन आ जाएगा समझ में आ गया आई थिंक समझ में आ गया होगा ठीक है अब यहाँ पर से ले लेना है आपको पॉइंट पी ठीक है जिस पॉइंट को हमें बोला है मूविंग बेन डायमीटर ट्रेस करना है उस बात को समझ में आ गया तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे सबसे पहले ये जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है इसको हम ऐसे जो मतलब है ना ऐसे कट कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे ठीक है ना ऐसे समझ में आ गया ऐसे ठीक है दोनों भी कॉर्नर्स को सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है अब आपको क्या करना है देखो कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर वन मतलब वन से लेके आपके हैं ट्वेल्व पार्ट्स समझ में आ गया कितने पार्ट्स हैं ट्वेल्व पार्ट्स हैं तो बेसिकली आपको इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा यस ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा तो पूरे ग्राफिक्स में आपको इस यूनिट में तो सबसे ज़्यादा यही करना है क्या डिवाइडिंग 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 ठीक है सबसे ज़्यादा सर्कल फिर उसके बाद लाइन आ जाता है हमारा तो चलो मैं जल्दी से इसको डिवाइड कर लेती हूँ चाहो तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व ठीक है चलो अब आपको क्या कर लेना है अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है बेसिकली वही आपका रूल है कोई अलग रूल नहीं है डिवाइडिंग का ठीक है ये हो गया डिवाइड ठीक है तो अब आपको क्या करना है येस yes, वही जैसे कि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं वर्टिकल लाइंस ली हैं वही अब आपको इस पॉइंट से लेके जाना है ठीक है तो हेलिक्स के अंदर बस इतनी ही मेहनत ज़्यादा है तो अगर हेलिक्स आपके ऑप्शन में आता है ना तो जो दूसरा ऑप्शन है वो आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग में ठीक है ना तो सिंपली आपको अगर इसमें अगर प्रैक्टिस है तो ऑफ़कोर्स आप जल्दी कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बहुत टाइम जाता है क्योंकि लाइंस वगैरह एंड ऑल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो चलो यहाँ पर ये यह हो जाते हैं डिवाइड ठीक है ना अब आप कोई भी पॉइंट से जो है ना अपने सर्कल को खोल सकते हो सिलेंडर जो है ना कोई भी आ, मतलब आप ले सकते हो कोई भी पॉइंट तो आप जो बोलोगे मैं उससे खोल दूंगी तो देख लो कहाँ से खोलें यहाँ से खोल लें नाइन से है ना चलेगा नाइन से तो चलो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर नाइन है तो आपको यहाँ पर नाइन लेना होगा सपो समझ में आ गया यहाँ पर जो भी पॉइंट आप मतलब ओपन कर रहे हो ना हेलिक्स बस उसी पॉइंट से आपको यहाँ पर लेना होगा अब यहाँ पर नाइन है तो आपको मतलब बढ़ाते जाना है अब टेन इलेवन ट्वेल्व अब लास्ट तो ट्वेल्व है तो अगेन आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड यहाँ पर आएगा नाइन समझ में आ गया नाइन से शुरू होगा नाइन पे एंड होगा यहाँ पर पी है एंड यहाँ पर ये यह होगा पी डैश तो अब हम इसको जो है प्लॉट कर सकते हैं समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ अब देखो इसके नीचे भी आप क्या मेंशन कर सकते हो इधर आप मेंशन कर सकते हो नाइन डैश टेन डैश अभी आपको लगता होगा कि मैं लेबलिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपके आधे मार्क्स होते हैं अगर आपने सिर्फ बना दिया ना तो कोई उसको चेक नहीं करने वाला जब तक आपकी लेबलिंग परफेक्ट नहीं है ठीक है तो चलो अब आपको क्या करना है अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका ये है पी ये टेन है ठीक है यहाँ पर है टेन अब आपको देखो बहुत ध्यान से देखो कैसे करना है यहाँ पर है टेन ठीक है ये वाला पॉइंट आपको लेना है ये है टेन तो यहाँ पर आप देख लो कहाँ पर आपको टेन दिख रहा है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर टेन मिल रहा है एंड टेन की लाइन कौन सी है ये तो मैं सिर्फ यहाँ से आपको देखो रोलर की हेल्प से ये पैरेलल लूंगी एंड जो टेन तक की लाइन है मैं बस वहाँ तक की लाइन मार दूंगी ठीक है ऐसे समझ में आ गया कितना सिंपली किया अब देखो अब ये ऊपर वाला ठीक है ये वाला पॉइंट अब ये कौन सा पॉइंट है इलेवन का पॉइंट है यहाँ पर देख लो इलेवन किधर है इधर है तो सिंपली मुझे यहाँ से लेके जाना है इधर तक समझ में आ गया अब देखो ऊपर वाला ये कौन सा पॉइंट है ट्वेल्व का पॉइंट है यहां पर से यहाँ पर ट्वेल्व इधर है है ना ट्वेल्व इधर है तो सिंपली ट्वेल्व जहां तक है वहां तक आपको जाना है तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेबलिंग अगर नहीं होगी तो देखो आपका सम भी सॉल्व नहीं हो रहा है देखो वन है तो यहां पर से वन किधर है आपका इधर है तो देख लो वन से आप यहाँ यहाँ तक जाओगे समझ में आ गया ऐसे ही करना है पूरे एंड तक ठीक है देखो अब यहाँ पर टू है टू यहाँ तक आएगा है ना अब देखो यहाँ पर है थ्री तो सिर्फ थ्री आपका कहाँ तक आएगा इधर तक आएगा है ना अब देखो यहाँ पर है फोर तो फोर आपका आप किधर आने वाला है फोर आएगा इधर तक है ना देन यहाँ पर देख लो फाइव बस यही की कॉन्सेप्ट है जो कि ऐसा होता है कि कोई आपको बता दे तो आप समझ लोगे ये सब डायग्राम्स देख के नहीं समझ में आता है ठीक है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन वीडियोज़ को चलो ये सेवन से सेवन तक देन ये आ जाएगा ये एट से लेके कर एट तक ठीक है बाकी ये नाइन से नाइन तक तो है ही समझ में आ गया तो अब यहाँ पर जो हमें पाथ मिला है यही है आपके पी पॉइंट का कर्व समझ में आ गया तो अब देखो यहाँ पर आएगा ये आपका क्या है पी पॉइंट तो यहाँ पर जो है मेन आपका कर्व है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पी डैश टेन ठीक है यहाँ पर पी इलेवन डैश यहाँ पर आएगा पी ट्वेल्व डैश ठीक है यहाँ पर आएगा पी वन डैश यहाँ पर पी टू डैश लाइकवाइज आपको पूरे में जो है लेबलिंग कर देनी है पी फोर डैश पी फाइव डैश पी सिक्स डैश पी सेवन डैश पी एट डैश ठीक है ना अब आपको यहाँ पर आ जाना है देखो अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा यानी कि ये है आपका पी टेन ठीक है अब ये यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ पी इलेवन ये यहाँ से लेके यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ पी ट्वेल्व ठीक है ना बस यही देखते देखके आपका देखो सम भी कम्प्लीट हो गया है ना देखो पी टू यहाँ पर आएगा पी थ्री यहाँ पर पी फोर ठीक है पी फाइव पी सिक्स करेक्ट जा रही हो ना मैं यस पी सेवन पी एट ठीक है ना अब आपको क्या कर लेना है देखो यहाँ से जो आपका कर्व जाएगा यहाँ से आएगा जाएगा देखो इन सबको आपको जो है कर लेना है ठीक है लाइक like दिस अब यहाँ से जो आगे होगा आपका वो आएगा डॉटेड के अंदर ठीक है डॉटेड के अंदर ठीक है तो ये हो गया आपका परफेक्ट परफेक्ट डायग्राम ऑफ हेलिक्स ठीक है अब आप यहाँ पर डायमेंशनिंग कर दो सर्कल को यहाँ पर सर्कम दिखा दो यहाँ पर दिखा दो क्या आपकी लेंथ ऑफ एक्सेस ठीक है तो ये हो जाता है आपके हेलिक्स का भी सम क्लियर सो आई होप कि मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आई नो इक्वल टाइम हो गया जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी एंड अभी देखो तो टाइम अराउंड ट्वेल्व हो रहा है रात के तो चलो आपको ये वीडियो जो है आप सुबह उठ के देख लेना रात में हो गई अपलोड तो अच्छी बात है वरना मैं सुबह अपलोड कर दूंगी ठीक है तो चलिए आपको मिल जाएगी ये वीडियो एंड ये वाला पार्ट कवर होता है एंड विद दिस पार्ट आपका यूनिट नंबर थ्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो बहुत मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्योंकि विदाउट फैन बैठना पड़ता है कम बंद रूम में बैठना पड़ता है ताकि मतलब वही आप समझ सकते हो कि डिस्टर्बेंस ना हो तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यूनिट थ्री आपका ग्राफिक्स का यहाँ कंप्लीट होता है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना अपना यूनिट नंबर थ्री नेक्स्ट यूनिट सिक्स आपको चाहिए तो मुझे जो आपको चाहिए वो कॉमेंट करो मैं वैसे आपको वीडियो दे दूंगी एक दिन का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स को दो अगर नहीं पढ़ाए तो एंड जिन्होंने पढ़ा है उनको सिर्फ़ एक बार अपनी जो आपकी ग्राफिक की बुक है ना सिर्फ एक बार ऐसे देखने की दे रही है एंड उनका सब हो जाता है ठीक है इसलिए बोलते हैं कि पहले से पढ़ोगे तो एंड टाइम पे आपको बर्डन नहीं होगा चलो ज्यादातर लोग एंड टाइम पे पढ़ते हैं तो इसीलिए मेरी वीडियोस अवेलेबल है आप जितना चाहो चाहो जितनी बार चाहो, उनको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने टॉपिक्स को तो चलिए आज के लिए बस इतना ही यूनिट थ्री आपका ग्राफिक्स का कंप्लीट हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय